हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी आपको एक लेटर हेड का एक्सट्रैक्ट दिखाई दिया होगा। एक बार एसोसिएशन है हाईकोर्ट की, जिसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा और ये लेटर हर जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट से बिलोंग करता है, इसीलिए ये शॉर्ट वीडियो में उनके लिए बना रहा हूं। हुआ ये कि 14 जनवरी 2024 को, यानी कि 14th जनवरी 2024 को होने वाला है मध्य प्रदेश सिविल जज का एंट्री लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम। और इस बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश का एग्जामिनेशन पहले भी विवादों में रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने इस विवाद को खत्म किया। मैं बात कर रहा हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। शायद आपको याद होगा 70% मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ में एक तरीके से कहा गया था कि अगर आपके पास 3 ईयर्स का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। खैर, कैंडिडेट्स के बोनाफाइड इंटरेस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई। लेकिन अब एक नया जो है, कहीं कहीं जो है तांडव खेला जा रहा है कैंडिडेट के साथ। यस, बिल्कुल तांडव ही शब्द कहूंगा, क्योंकि कहीं कहीं जो चीज हो रही है ना वो बड़ी दिक्कत भरी है। अब सपोज कीजिए कि किसी अधिकारी को अगर कोई हाईवे, किसी फ्लाइट की यात्रा करनी हो या हाईवे पे यात्रा करनी हो या ट्रेन से यात्रा करनी हो, तो वो अपना जर्नी का प्लान जो है कम से कम 10-15-20 दिन पहले बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ट्रेन के भरोसे नहीं कितना रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, फ्लाइट की हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते, वगैरह वगैरह। तो फिर एक स्टूडेंट को शायद जो है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी जादूगर समझती है। उनको लगता है कि स्टूडेंट के पास तो खूब पैसा है, वो तो यूं लुटाएगा, डायमंड फेंक फेंक के एग्जाम दे देगा, क्योंकि वो स्टूडेंट थोड़ा ना है, वो गरीब थोड़ा ना है, वो तो बहुत पैसे वाला है। शायद ऐसा ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक लेटर लिखा गया है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर की तरफ से। स्पेशल थैंक्स यहाँ पर इस बार एसोसिएशन को बनता है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पर है जो लिया। ये लेटर किस संबंध में है, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने इस बार जो एग्जाम सेंटर बनाया है ना, एग्जाम सेंटर में मोस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर ऐसी ऐसी जगह पर रखे हैं, जैसे मान लो किस तरीके से एक पेपर की 4 चिट्ठियां बनाई गई हो, ठीक है, ये 4 पेपर हो और 4 पेपर को इस तरीके से यूं यूं करके करके फेंक दिया। अब आग बन गई जंतर मंतर, इस एक कैंडिडेट के लिए कौन सी चिट्ठी उठाऊं, ये उठाऊं और उसको बोला तेरा एग्जाम सेंटर यहां पर है, दूसरे को बोला तेरा एग्जाम सेंटर मैंने ये चिट्ठी उठा ली यहां पर है, इस तरीके से सारे कैंडिडेट के एग्जाम सेंटर इधर उधर कर दिए। किसी को जो है एक तरीके से नोएडा का एग्जाम सेंटर दे दिया, किसी को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ भेज दिया रायपुर एग्जाम देने के लिए, और वो भी टाइम कितना बचा है, 7 दिन हार्डली, 7 डेज हार्डली बचे हैं, और आज की तारीख अगर काउंट किया जाए तो बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से उनको एग्जाम सेंटर दिया गया। जरा आइए पढ़ते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक लेटर में इसका सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग द सिविल जज जूनियर डिविजन एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब यहां पर इन्होंने जो बातें कही वो कुछ इस तरीके से है कि इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि रिगार्डिंग द अफोरमेंशन सब्जेक्ट इट इज ब्रिंग टू योर नोटिस, मतलब ये आपकी क्या जानकारी में लाया जा रहा है। तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि इनका जो एग्जाम सेंटर, इट इज ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट कैंडिडेट्स आर फेसिंग ह्यूज डिफिकल्टी इन अपीयरिंग ऑफ द सिविल जूनियर एग्जामिनेशन विच आर conducted on 14 January 2024. Examination center of candidates have been allotted to the candidates belonging to Madhya Pradesh to other city outside MP. यानी कि MP के candidates को आपने MP के बाहर का exam city है जो दे दिया। It is worth mentioning that the examination entry ticket, admit card are made available recently only and the candidates are finding it very difficult and almost impossible to get the railway ticket conveyance to travel such far places as Noida, Agra, Bhilai, दुर्ग, रायपुर, जो कि एक तरीके से मतलब बाहर ही एग्जाम सेंटर ग्रुप में आ रहे हैं। वी ऑल आर अवेयर दैट ड्यू टू द फॉग इन नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री जो ट्रेन है वो लेट चल रही है, फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही है, और जनरली वो फ्लाइट जो है या कोई भी ट्रेन वो डिले है जो हो रही है। इट इज कॉमन नॉलेज दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट इकोनॉमिकली साउंड कि वो क्या कर सके, ट्रेवल एंड लॉजिंग इन अननोन सिटी, कि 2 दिन पहले जाए वहां पे जो है होटल वोटल में रहे, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता भैया। लेकिन इतनी सी बात जो है ना, शायद एसी के चैंबर के अंदर बैठने वाले लोगों को शायद समझ में आनी नहीं है, या फिर वो जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज है जो कर रहे हैं। इट इज देयरफॉर हम्बली रिक्वेस्टेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सब्जेक्ट एग्जाम टू बी अलॉटेड इन द सिटी जहां पर वो है। तो इस तरीके से इन्होंने रिक्वेस्ट की। इट इज ऑल्सो हम्बल रिक्वेस्टेड टिल द न्यू अरेंजमेंट द एग्जाम शेड्यूल मे बी कैप्ट इन अबेंस, और जब तक ये नए अरेंजमेंट नहीं हो जाते तब तक आप एटलीस्ट एग्जाम सेंटर को तो क्या करो, यहां से हटाओ। तो एक बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न जो है इंदौर बार एसोसिएशन, मैं लिटरली स्पेशल सैल्यूट करता हूं इंदौर हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन को, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट के इस पेन को ऑब्जर्व किया। और कहीं कहीं चूंकि जो बार होती है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है जुडिशियल सिस्टम का, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया।
रियली मतलब जो रेस्पेक्ट है वो दिल से बहुत बहुत गुना बढ़ गया है। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में एक स्पेशल वर्ड्स इंदौर बार एसोसिएशन के लिए जरूर लिखेगा, क्योंकि वाकई में ऐसा इनिशिएटिव लेना वो भी एक बार एसोसिएशन के द्वारा काबिले तारीफ है, और ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो रक्षक है, वो हमारी बार एसोसिएशन वाकई में एक बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करती है। दिल से लव, दिल से रेस्पेक्ट इन बार एसोसिएशन के लिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पदाधिकारी हैं बार एसोसिएशन के संबंध में, उन सब ने बकायदा ड्यूली साइन करके ये लेटर जो है वो भेजा है ना। तो यहां पर ईश्वर से बस अब यही प्रार्थना है कि इस लेटर को हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से एक्सेप्ट करें, और कैंडिडेट्स की ये जो दुविधा है, ऐसा का ऐसा खेल पहले भी छत्तीसगढ़ के दौरान भी हुआ था। छत्तीसगढ़ एग्जाम के अंदर भी कैंडिडेट्स के लिए सडनली जो है वो टिकट जारी किए गए, मतलब एडमिट कार्ड जारी किए गए। अब वो 4-5 दिनों के अंदर कैसे जर्नी करेगा भाई, कैसे जर्नी करेगा, उड़ के जाएगा क्या? फ्लाइट हरेक के, सीधी सी बात है, पॉकेट में नहीं आती, हरेक के बजट में नहीं आती कि वो फ्लाइट वेल्ट पकड़ के जाए। और ट्रेन में अब 1 दिन पहले जाना, 2 दिन पहले जाना, तो वहां पे रुकना भी तो पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है, ऐसी वैसी जगह पे रुक नहीं सकते। और व्हाट अबाउट द फीमेल कैंडिडेट्स, क्या होगा, क्या उनकी सुरक्षा के साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा? छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बार ऐसा और हुआ था, जब कैंडिडेट्स की ट्रेनें लेट पहुंची, सुबह 9:30-10 बजे का एग्जामिनेशन था, ट्रेन पहुंची 11 बजे, कैंडिडेट्स का पूरा एग्जाम जो है समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बाहर से आ रहे होंगे, तो बस इतनी सी भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि मिले उन सभी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, कि कहीं कहीं जो है कैंडिडेट्स के हित में बोनाफाइड इंटरेस्ट के अंदर ये चीज की जाए, या तो एग्जाम शेड्यूल का पोस्टपोन कीजिए, और या फिर जो है कहीं कहीं इस एग्जाम सेंटर की दुविधा को सुविधा में कन्वर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बस ये बात कहना चाहता हूँ, किसी का दिल दुखाना इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ एक जरूरी पेन है जो शायद अगर कहीं तक पहुंच सके तो बस यही एक अपेक्षा है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ वैसे भी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, इसको और स्ट्रगल मत दीजिए। संघर्ष में जीना जरूरी है, लेकिन जीवन को हर वक्त संघर्ष में बनाते हुए जीते रहना यह जरूरी बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। थैंक यू सो मच।